834 में डेरावर सिंह भाटी राजपूत। ये देखे पीछे आप देख रहे हैं, वो सारा जेल का हिस्सा है। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विजय पाकिस्तानी ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं किला दिरावड़ में, और ये है बहावलपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे आए हुए हैं रहीम यार खान से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही प्यारा किला है, ये किला दिरावड़ के नाम से मशहूर है। तो हम मेरे साथ काफ़ी दोस्त आए हुए हैं, साजन चौहान ब्लॉग के नाम से है, प्रीतम भाई है और मनोहर भाई भी है, वो काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो आए चलते हैं किले के अंदर, हमारे साथ प्रीतम भाई है, उनसे हाल वाल लेते हैं और किले के बारे में पूछते हैं। तो आए चले, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब लाजमी करिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। जी आए तो चले चलते हैं जी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं प्रीतम दास बालाज के पास जी। दोस्तों आज हम रोहियो चोलिस्तान के सहरा दरियाए हाकड़ा के बीच में एक किला है जो मारूफ है, तारीखी किला है, किला डेरावर। और ये 834 में डेरावर सिंह भाटी राजपूत ने ये बनाया। और आप देखें कि इसके 40 बुर्ज हैं और हर एक बुर्ज का नक्शा अलहदा है। आप एक बुर्ज देखेंगे उसके जो जितने नक्श व निगार हैं वो अलहदा है, दूसरे का उससे अलहदा होगा, तीसरे का। ये 40 बुर्ज है और ये बाहर से पुख्ता ईंटों से बना हुआ है, इसके अंदर जो है मिट्टी जो दी गई है ताकि जो है वो गोला है बारूद का जो वो मिस हो जाए, मिट्टी में कच्ची मिट्टी में वो मिस हो जाता है। इसके बाद जो आप देखेंगे वो छोटे छोटे निशानात हैं, वो तीर तलवार तीरों के, जो पहले ज़माने में तीरों की बौछार होती थी, तो वो अगर इस तरीके से बनाए गए हैं कि ऊपर वाला जो सिपाही है वो नीचे अगर उसके दीवार के पेंदे में भी खड़ा है, उसकी बुनियाद में खड़ा है, तो उसे उधर से वो निशाना लगा सकता था। किला डेरावर एक तारीखी जगह है, इसमें काफ़ी जो हैं सुरंगें हैं, और एक सुरंग आप ये देख रहे हैं ये पता नहीं कहाँ तक जाती है, कहते हैं कि जैसलमेर तक जाने के लिए एक बहुत बड़ी सुरंग थी। 1734 में जब ये किला नवाबों ने हासिल किया तो फिर वो जो ख़ानदान था डेरावर भाटी का ख़ानदान,
वो उस सुरंग के ज़रिए जो है जैसलमेर चले गए। इसके अलावा भी इसमें कई सुरंगें हैं जिसका आज तक पता नहीं चल सका। ये क्या चीज है प्रीतम भाई? ये जो है फांसी घाट है। आप देखेंगे कि जो कत्ल के मुलजम होते थे या खतरनाक होते थे उनको फांसी दी जाती थी। और ये फांसी घाट देखें, ये तख्ता लगा हुआ है और तख्ते पे एक रस्सी होती थी जो वो तख्ता पीछे खींच लिया जाता था और वो जो मुजरिम तख्ता नीचे आता, मुजरिम जो होता वो नीचे आता और वो गले में फंदा लटक जाता और उसकी मौत हो जाती थी। तो दोस्तों अब हम जेल देखने जा रहे हैं। ये सामने जो है ये सारी जेल है। तो प्रीतम भाई से पूछते हैं कि चलो दोस्तों अभी आप लोगों को विजिट करवाते हैं यहाँ की जेल, जो जेल खाना हुआ करता था जहाँ पर लोगों को कैद किया जाता था, कैद खाना, तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी किला दिराबड़ में, अब जो जहाँ पे जेल है थी उन दिनों की, वो जेल देखने जा रहे हैं। ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं ये सारा जेल का हिस्सा है। अब जो हमारे साथ प्रीतम दास बालाच है वो हमें बताएंगे कि ये जेल, ये जो ये देखें पीछे आप देख रहे हैं वो सारा जेल का हिस्सा है। तो चलें जेल के अंदर चलते हैं। कौन सी जेल? ये सारा इलाका जेल, ये पूरी जेल है। वो जो जेल का मेन गेट है और इसके अंदर जो जितने हैं ये कैद खाने हैं और ख़तरनाक मुजरम जो थे वो इधर रखे जाते थे ताकि उनको सज़ा दी जाए और दोबारा वो ये गलती ना कर सकें। जेल एक सज़ा के लिए होती है कि वो जो है गलतियां ना करें और वो पुरअमन जो इलाका रहे। हर किले में आपको जेलें दिखाई देंगी लेकिन किला डेरावर की जो जेल है वो आपके सामने है, हवादार है और इसमें काफ़ी सहूलतें होती थी। ये देख लें, ये ठंडा माहौल है इसमें, उसमें वो नहीं है कि जो मुजरिम है वो जल सड़कर उसमें मर जाए, लेकिन उनको एक ज़हनी जो उनका तशद्दुद होता था, ज़हन को समझाने के लिए उनसे जो बातचीत की जाती थी वो एक कैद की सूरत में कि आइंदा आप ये गलती ना करें। लेकिन एक ये देखें, ये कच्ची ईंट से बना हुआ है जेल खाना और इसमें कोई जो तकलीफ तो होंगी लेकिन हवादार काफ़ी है और ये अब जो ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों अब हम मौजूद हैं रणवास में जहाँ रानियाँ रहती थीं और ये एक अलहदा होता था। ये सिस्टम जो एक अलहदा होता था और रानियों के लिए जो महल महलात जो थे वो अलहदा होते थे, वो आपको दिखाते हैं। Thank you.
ये ठेले वाली सुरंग है और इसमें काफ़ी सुरंगें हैं और उधर जाकर राजा महाराजे और उनके ख़ास जो मेहमान होते थे गर्मी के दिनों में उधर जाकर बैठते थे। ये एक हवादार जो सिस्टम था और वो मशीनरी है, उस मशीनरी से वो ठेला चलता और ठेला अंदर चला जाता और अंदर जाके फिर तमाम सुरंगों में से हवादार रोशनदान रखे हुए थे जहाँ वो बर्फ़ की तरह वो तहखाने थे और उधर राजे महाराजे और दीगर उनके मेहमान जो हैं वहाँ विराजमान होते थे। बुरा तो भाई बुआ जाओ दादी में पिछले साल आया ने वो एंड तक गया ने। किला डेरावर का जो मेन जो सबसे बड़ा जो बुर्ज है ये है, ये जनूब की तरफ है, जनूब मगरब की तरफ, इसे बड़ा बुर्ज कहते हैं, दिलू राव का भी बुर्ज कहते हैं। आप देखें ये सामने देखें, ये सारी पट्टी दरियाए हाकड़ा की है, दरियाए हाकड़ा जब बहता था और उसके किनारे जो है ये किला आबाद था। उससे पहले जो डेरावर सिंह के जो मामू थे, वो पुराना जो किला है जज्जा भुट्टा सोलंकी का, वो कब्रिस्तान के ऊपर जो आप खेड़ देख रहे हैं वो उधर किला था। उधर से फिर ये एक लंबी दास्तान है, जैसलमेर से डेरावर सिंह जब इधर आए तो ये किला बना और मामू ने कहा कि आप इधर नहीं रह सकते, तो उन्होंने कहा कि जो है चमड़े के भैंस के चमड़े की जितनी जगह दे दें। उन्होंने बारीक डोर एक निकाली और चारों तरफ से ये किले को घेर लिया। तो ये एक लंबी दास्तान है, फिर आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। ये बहुत खूबसूरत किला है, सदियों पुराना है लेकिन खंडर होता जा रहा है। आसार कदीमा आप इस पर तवज्जो दे रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी तामीर व नौ आरायश व तज़य्यन हो रही है, लेकिन ये किला बहुत ही उजड़ चुका है। इसको दोबारा तैयार करने के लिए अभी काफ़ी साल लगेंगे, लेकिन जो काम सुस्त रवि से हो रहा है इसको जल्दी होना चाहिए। ये जो असल निशाने के लिए जो क्या किया जाता है, इसमें गोला डाला जाता है और गोले के बाद जो है इधर से पहले पॉइंट ऑफ एम यानी ये मक्खी है, इस मक्खी को सामने से वो निशाना लगा के फिर निशाने पे रख के इसमें आग लगाई जाती थी और गोला जब दूर जाता था तो बहुत नुकसान करता था। ये तकरीबन इसका 10 मन होगा, 10 मन के करीब ज़्यादा होगा, घटने होगा। फिर इसको घोड़े तो नहीं खींच सकते होंगे, इसके लिए और भी बड़े हाथी 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 वगैरह फिर हाथी। वो उस दौर के ऐसे होते थे कि भाई जो है हाथी खींच लें, बैल खींच लें, घोड़े खींच लें, फिर उस हिसाब से जो है वो बनाया जाता है। पीतल जो है लोहा जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और उसकी नाली जो है फट जाती है, लेकिन पीतल की
तोप हो या कोई राइफल हो या कोई भी हो, तो उसमें उसका किरदार जो होता है उस धात का होता है, और वो फायरिंग करते हुए गर्म नाली नहीं होती और जितने फायर करें, इसी तरह इस तोप में से 100-100 गोले भी दागे जाएं, ये गर्म नहीं होती थी और ये फटती नहीं थी। तारीखी लिहाज से ये जो जाल का दरख्त है बहुत पुराना है, कहते हैं इसकी 5000 साल उम्र होती है। और जब डेरावर सिंह इस दरियाए हाकड़ा की बेट नुमा जगह में इधर शिकार खेलने आया, तो इसमें इस जाल का बहुत बड़ा किरदार है। उसने देखा कि एक जो है भेड़ है, उसने बच्चा दिया है और पास ही जो है भेड़िया उस पर लपकता है, तो वो उस जगह से आग के शोले निकलते हैं और भेड़िए पे जब पड़ते हैं तो वो बार बार आने की कोशिश करता है। डेरावर सिंह ये सारा माजरा छुप कर देख रहा था। उसने देखा कि इस जगह में कोई बहुत बड़ी जो है ना करामात है, आग जो निकल रही थी। तो उसने क्या किया, भेड़िए को तीर मारा, भेड़िया दूर जा पड़ा और उसने इस जगह को खोदना शुरू किया, तो इसमें बेशबहा ख़जाना निकला। कहते हैं सिकंदर आज़म जब यहाँ से गुजरा था, वापसी पे उसने ख़जाना जो इधर दबाया, क्योंकि वो बीमार हो चुका था, राजा पोरस के जो है तीर से वो उसको बुखार हो गया और बुरी तरह जो है वो घायल हो गया था। उसने ये सारा ख़जाना जो इधर दबाया और आगे चलता बना, और आगे सेवन से आगे जाते हुए उसकी मौत हो गई और ये ख़जाना इधर दबा रहा। या इसकी वजह और भी हो सकती है कि जहाँ ख़जाना होता है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ का साया होता है और वो आग निकलती है। डेरावर सिंह ने वो ख़जाना लिया और अपने मामू के पास गया, तो उसे कहा कि मुझे जो है ना एक अलहदा जगह देनी चाहिए। उसने कहा कि आपके मोहल्लात जो है सारे हैं, आप अपनी अम्मी के साथ इधर रहते हैं, आपने जो वो भाटियों पे जो जुल्म हुआ था जैसलमेर में, पवार भोभान राजपूत ने कत्लेआम किया था, आपने वो सारा जो है वो बदला लेना है, आप क्यों इधर बनाना चाहते हैं, आप जिधर आए रहें। कि नहीं मामू, मैं शिकार के लिए, चलो मुझे थोड़ी सी जगह दे दें और ये जगह जो है मैं इधर रहूँगा, ज़्यादा नहीं तो भैंस के चमड़े जितनी दे दें। जब चमड़े की उसने अभी जो हम जिस ख़ानदान के पास बगुराम गंडेर के घर से होकर आए हैं, इन्हों के ख़ानदान ने, इनके बुज़ुर्ग ने वो एक बारीक बाल से भी बारीक जो है एक लंबी रस्सी निकाली और इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। और ये किला जो जब सुबह जब देखा तो उन्होंने कहा ये जो मेरे कौल के मुताबिक जो है ये जगह आपकी हुई, और इसके बाद जो है बाहर वाली जगह है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं, हक नहीं, आप इधर से कोई ईंट गारा भी नहीं उठा सकते। तो पैसा बहुत था, ख़जाना बहुत था, उसने उच्च के राजा से बात की। 70-80 किलोमीटर से कतारदार कतार लंबी वो सामान आता रहा, गारा आता रहा, ईंटें आती रहीं और जितना भी है, और ये किला तैयार हुआ। किला तैयार होने के बाद जो है वो राजा भोभान के लश्कर इधर आया, फिर पीछा किया और किसी तरीके से वो बच गया। फिर जो भोभान की जो बेटी है उससे विवाह हुआ डेरावर सिंह का, और इधर का भी राज मिल गया और जैसलमेर का। एक लंबी दास्तान है।